नरगिस को कोई नहीं जानता, उनकी अदाकारी का हर कोई मुरीद है। नरगिस आज के दिन ही यानी 1 जून साल 1929 में कोलकाता में पैदा हुई थीं। इनका बच्चन का नाम फातिमा रशीद था, लेकिन बाद में इनका नाम नरगिस पड़ा, जो आज तक फैंस की जुबां पर रहता। नरगिस की जिंदगी भी उनके पिता की तरह ही अजीब थी। सालों बॉलीवुड में राज करने वाली नरगिस के बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कभी भी कलाकार नहीं बनना चाहती थी। नरगिस की माँ जदनबाई भी फिल्मों से जुड़ी हुई थीं, इसलिए वो चाहती थी कि नरगिस भी फिल्मों में किस्मत आजमाए। लेकिन नरगिस के दिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। आखिरकार माँ के कहने पर नरगिस कुछ फिल्मों में बाल कलाकार का रोल किया था। उनकी पहली फिल्म 1935 में E-Haq-e-Haq थी। इसके बाद उनकी माँ ने नरगिस को महबूब खान की फिल्म में स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा। चूँकि नरगिस एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहुत खराब टेस्ट दिया। लेकिन महबूब खान पर उनकी एक्टिंग का कोई असर नहीं हुआ। नरगिस की खूबसूरती से प्रभावित महबूब खान ने उनको फिल्म में लीड एक्ट्रेस चुन लिया। साल 1943 में आई तकदीर नहीं चली, लेकिन नरगिस का काम चल गया, खूब तारीफ हुई। साल 1948 में दिलीप कुमार के साथ नरगिस की फिल्म मेला रिलीज हुई। इसके बाद नरगिस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी साल अनोखा प्यार ने शानदार बिजनेस किया, इसमें भी दिलीप कुमार ही उनके हीरो थे। 1948 का साल नरगिस के लिए शानदार रहा। अभी इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म आनी बाकी थी, जिसमें उनकी जोड़ी राज कपूर के साथ बनी थी। आग रिलीज हुई तो दर्शकों के दिलों पर छा गई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसके साथ ही दोनों के बीच रोमांस को भी हवा मिलने लगी। नरगिस की राज कपूर से पहली मुलाकात भी फिल्मी अंदाज में हुई थी। साल 1946 में राज कपूर अपनी फिल्म आग की शुरुआत कर चुके थे। अपने फिल्म के कुछ खास सीन्स को शूट करने के लिए राज कपूर को एक स्टूडियो की तलाश थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि नरगिस की माँ जदनबाई मुंबई के एक फेमस और बड़े स्टूडियो में रोमियो और जूलियट की शूटिंग कर रही है। जदनबाई से वो स्टूडियो कुछ दिनों के लिए उधार लेने के लिए राज कपूर उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। लेकिन राज कपूर को क्या मालूम था कि उस रोज उनकी दुनिया बदलने वाली है। जब वो जदनबाई के घर पहुँचे तो घर का दरवाजा खोला जदनबाई की बेटी नरगिस ने। पहली नज़र में नरगिस राज कपूर के दिलो दिमाग पर छा गई। उस मुलाकात का राज कपूर के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर था कि 1946 में हुई इस मुलाकात को राज कपूर ने करीब 27 साल बाद अपनी फिल्म बॉबी में हूबहू उतार दिया। इस मुलाकात के बाद राज कपूर सीधे अपने दोस्त इंदर राज के पास गए, जो उन दिनों राज कपूर की फिल्म आग की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्टिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर ने इंदर राज से जोर देकर कहा कि वो कुछ भी करके इस फिल्म में नरगिस के लायक रोल जोड़ दे, क्योंकि अब नरगिस की उनकी फिल्म की हीरोइन होंगी। आखिरकार राज कपूर ने इस फिल्म में नरगिस का किरदार जुड़वाया। नरगिस ने ये फिल्म की और फिल्म आग ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1948 में आई फिल्म आग राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी हिट हुई। इसके बाद इनकी अगली फिल्म थी 1949 में आई फिल्म बरसात। इसके बाद इस जोड़ी ने कई हिट फिल्मों में काम किया। इनमें अंदाज, जान पहचान, प्यार, आवारा, अनहोनी, आशियाना, अंबर, आह, श्री 420 और जागते रहो जैसी फिल्में शामिल हैं। राज कपूर तो पहली नज़र से ही नरगिस के दीवाने थे, लेकिन राज कपूर की तरफ नरगिस का झुकाव साल 1951 में फिल्म आवारा की शूटिंग के समय हुआ। नरगिस राज कपूर की व्यक्तित्व, उनके काम करने का अंदाज और उनके हुनर पर इतनी फिदा हुई कि इसी साल उन्होंने कसम खाई कि अब से वो सिर्फ राज कपूर की ही फिल्में करेंगी। अपने इस कसम को रखने के लिए उन्होंने महबूब खान की फिल्म आन में काम करने से भी मना कर दिया। ये वही महबूब खान थे जिन्होंने नरगिस को पहली बार ब्रेक दिया था। कहते हैं कि राज कपूर और नरगिस शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इनकी शादी के आड़े आ गया इनका धर्म। नरगिस और राज कपूर दोनों के घर के लोगों ने इस शादी से साफ मना कर दिया। जब नरगिस को लगा कि उनका ख्वाब पूरा नहीं होने वाला, तो उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और महबूब खान की फिल्म अदर इंडिया में काम करने का फैसला किया। नरगिस को शायद ये नहीं पता था कि ये फिल्म न सिर्फ दर्शकों को दिलों में पर राज करेगी, बल्कि इस फिल्म से उनकी असली जिंदगी भी बदल जाएगी। मदर इंडिया की शूटिंग शुरू हुई। कहानी के मुताबिक शूटिंग आगे बढ़ने लगी। करियर में स्ट्रगल कर रहे सुनील दत्त पहले से ही नरगिस पर फिदा थे। फिल्म की शूटिंग शुरू होते होते नरगिस का भी झुकाव सुनील दत्त की तरफ होने लगा था। जल्द ही ये अफेयर में बदल गया, लेकिन महबूब खान नहीं चाहते थे कि इन दोनों का अफेयर सामने आए। उन्होंने नरगिस और सुनील दत्त दोनों को सख्त हिदायत दी थी कि वो सेट पर एक दूसरे के सामने तब तक ना जाएं, जब तक कि इन कोई सीन ना हो। लेकिन इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग ने दोनों को एक दूसरे से करीब ला दिया। एक सीन में नरगिस आग से घिरी रहती है, लेकिन शूटिंग के दौरान सच में आग भड़क गई और नरगिस उसमें फंस गई। सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई। इसमें सुनील दत्त कुछ जख्मी भी हो गए थे। अस्पताल में उनका इलाज चला। इस दौरान नरगिस उनके साथ रही और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी।
इसके बाद फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। फिल्म ने ऑस्कर में झंडा गाड़ा, लेकिन एक बार फिर नरगिस की जिंदगी दोराहे पर खड़ी हो गई। एक बार फिर उनके प्यार के बीच धर्म आ गया। नरगिस के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। नरगिस के भाई ने भी उनकी मदद नहीं की। इससे नरगिस टूट गई, लेकिन सुनील दत्त ने संभाला और दोनों ने घर के लोगों को शादी के लिए राजी कर लिया। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चलने लगी। सुनील दत्त भी एक बेहतर कलाकार बनकर इंडस्ट्री में सामने आए, लेकिन नरगिस की जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। साल 1980 में पता चला कि नरगिस को कैंसर है। इलाज के लिए उनको अमेरिका भेजा गया। इस दौरान नरगिस के बेटे संजय दत्त को ड्रग्स की लत लग गई थी। साल 1981 में नरगिस वापस लौटी, लेकिन ठीक नहीं थी। आखिरकार 2 मई 1981 को कोमा